Good morning everyone, welcome back to my channel. My name is Shikha Sharma and I am a teacher by profession and my channel name is Teach, Learn and Grow With Me. तो मैंने आपके साथ अपनी सक्सेस स्टोरी के सारे स्कूल शेयर किए. मैंने आपको बताया कि मैंने कौन कौन से स्कूल में जॉब किया, बट मैंने आपको ये नहीं बताया कि मैंने इतने जॉब्स चेंज क्यों करी. वॉट इज़ द रीज़न, ऐसा क्या कारण था? क्योंकि मैं स्टार्टिंग से चाहती थी कि मैं जिस स्कूल में भी जॉब करूं मैं स्टेबल होके करूं, मुझे वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ मिले ताकि मैं वहाँ पे अपना बेस्ट दे सकूं. मैं अभी बहुत हार्डवर्किंग, ऑलरेडी मैं बहुत हार्डवर्किंग हूँ. मैं टिक के जॉब करना चाहती थी. तो जब मैंने अपना फर्स्ट स्कूल ज्वाइन किया, ओजस पब्लिक स्कूल, मैंने बहुत शौक से ज्वाइन किया था एज अ फ्रेशर. मैंने वहाँ पर बहुत वर्क हार्ड भी किया, बट मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूस 3 ईयर्स से हमारा कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था, क्योंकि वो स्कूल सिर्फ 8th क्लास तक ही था. हर साल हम मैनेजमेंट से बात करते थे अबाउट द इंक्रीमेंट, अबाउट द सैलरी अप्रेजल, बट कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था. और इसी वजह से मैं इतनी परेशान हो गई थी कि मैं इतना बेस्ट दे रही हूँ, इतना हार्डवर्क कर रही हूँ, उसके बाद भी सैलरी सेम, देन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कंटिन्यूइंग देयर? क्या फ़ायदा था वहाँ पे? सो मैंने तब जाके स्कूल्स में अप्लाई करना स्टार्ट किया एंड देन आई गॉट सिलेक्टेड इन गीता रतन जिंदल पब्लिक स्कूल. अब गीता रतन जिंदल में मैंने 2 ईयर्स वर्क तो किया, बट वहाँ पर क्या था, अब आप लोगों में से अगर मैं ये वाली सिचुएशन बताऊँगी तो होपफुली आप में से काफ़ी सारे लोग इस वाले केस से सेटिस्फाइड होंगे और आपको भी मे बी आप कमेंट्स में बोलेंगे यस आपके साथ भी यही होता है. वहाँ पे क्या होता था, एक्चुअली में हमारी जो सैलरी थी वो कम थी, पर हमें अकाउंट में डबल सैलरी मिलती थी. आई मीन मेरे अकाउंट में अराउंड 40,000 के करीब पैसे आते थे, बट सैलरी वॉज 20,000 ओनली. मीन्स हमें हमारे मतलब गवर्नमेंट की नज़र में, ताकि ये आ सके कि हम पूरा फुल ग्रेड दे रहे हैं, तो हमारी 40 से 45 हज़ार रुपये सब टीचर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र होती थी. हम वो पैसे अगले दिन शाम को निकालते थे, वो पैसे 40 के 40 हज़ार, और 20 हज़ार हम वापस कर देते थे स्कूल में. आई मीन गवर्नमेंट की नज़र में ये हो गया कि हमें इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है, बट एक्चुअली में वी आर गेटिंग हाफ सैलरी ऑफ दैट. ये काफ़ी स्कूल्स में होता है कि साइन किसी और पे कराते हैं, हमसे 40-45 हज़ार पे साइन होते थे, बट हमें 20 से 25 हज़ार रुपये ही सैलरी मिलती थी. इवन जो मेरा एक्सपीरियंस लेटर भी है गीता रतन का, उसमें भी मेरी सैलरी बहुत अच्छी लिखी हुई है. इट इज़ 40,000 सैलरी, जबकि मेरी इतनी सैलरी नहीं थी. तो आप में से काफ़ी सारे लोग होंगे जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हुई होगी, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था मुझे कि मैं जब इतने पैसे ले ही नहीं रही हूँ तो मैं साइन क्यों करूँ उस पर. बट मेरी मजबूरी थी तो मैंने 2 साल ये चीज़ को टॉलरेट किया, बट आफ्टर दैट आई लेफ्ट देयर एंड आई हैव जॉइन क्वीन मेरी स्कूल. क्वीन मेरी में मैंने ऑलमोस्ट 4.5 से 5 साल वर्क किया, बट वहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि उन्होंने कमिटमेंट किया था कि 2 ईयर्स के बाद वो परमानेंट कर देंगे, बट धीरे धीरे क्या होता गया, उन लोगों ने टीचर्स को गेस्ट टीचर्स का नाम दे दिया एंड आफ्टर डैट मेरे सामने सामने 4 या 5 टीचर्स को टर्मिनेट कर दिया, मतलब जॉब से निकाल दिया ऑन द स्पॉट, अचानक से बुलाया. और जब वो वापस मैम के रूम से रोते हुए आए, उनको एडमिन में बुलाया, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में बुलाया गया और उनको लेटर दे दिया कि साइन कर दो, एंड दे वर कम्प्लीटली शॉक्ड. जब वो प्रिंसिपल से बात करने गए तो प्रिंसिपल के साथ सामने कोई वर्ड्स ही नहीं दे, प्रिंसिपल ने कुछ भी बात नहीं करी. प्रिंसिपल ने इवन ये बोला कि आपका जो करियर होगा वो आगे अच्छा होगा, आपके ऑल द बेस्ट कर दिया करियर के लिए, बट कुछ भी हमारी तरफ से पार्ट नहीं लिया. एंड वाई वो उन्हें टर्मिनेट इसलिए किया ताकि टीचर्स को परमानेंट ना करना पड़े. इट इज़ ये भी काफ़ी स्कूल्स में होता है. कुछ स्कूल्स को क्या करते हैं, हर साल ही टीचर्स बदलते हैं, हर साल नया कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट देके और टीचर्स को निकालते हैं और फिर दोबारा उनकी वैकेंसीज आती हैं, राइट? तो एप्लीकेशन फॉर्म का पैसा तो कलेक्ट होता ही होता है, साथ में क्या होता है किसी भी टीचर को परमानेंट नहीं करना पड़ता. तो ये टीचर्स के साथ एक्चुअली में बहुत ज़्यादा नाइंसाफी है. टीचर्स जो हमारे नेशन को बिल्ड कर रहे हैं, हमारे बच्चों का, हमारे छोटे बच्चों का फ्यूचर बना रहे हैं, और वही सिक्योर नहीं है, उन्हीं की जॉब सिक्योर नहीं है. हम बच्चों को तो सिक्योर कर रहे हैं अच्छी एजुकेशन देके, पर टीचर्स की खुद की लाइफ सिक्योर नहीं है, टीचर्स का खुद का करियर सिक्योर नहीं है. उनको कभी भी कोई प्राइवेट जॉब से निकाल सकता है जब उनका मन करे. तो वहाँ पे ऐसा ही हुआ, मेरे सामने 4-5 टीचर्स को जब टर्मिनेट किया, वो रोती रोती जब ऊपर आई, मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगा उस दिन. तो मैंने उसी दिन से सोच लिया था कि मैं यहाँ पे नहीं टिकने वाली हूँ. मैंने सेम डे से अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था, कंटिन्यूसली मैं अप्लाई करती रही, और फिर मेरा 6 या 7 महीने के बाद माउंट आबू पब्लिक स्कूल में हो गया था एंड आई लेफ्ट क्वीन मेरी स्कूल. मेरे को नहीं पसंद आया माउंट आबू. आई टोल्ड यू माउंट आबू में मैंने बहुत अच्छे से ऑलमोस्ट 1.5 ईयर वर्क किया, बट वहाँ पे स्टे बैक्स इतने थे एंड संडे को भी कई बार स्कूल बुला लेते थे, सेकंड सैटरडे वर्किंग, इतनी सारी वर्कशॉप्स, इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था एंड प्लस कोविड भी आ गया था, तो मुझे माउंट आबू छोड़ना पड़ा. एंड आफ्टर दैट मैंने लैंसर्स में ज्वाइनिंग मेरी होने वाली थी, बट कोविड की वजह से वो ज्वाइनिंग नहीं हो पाई.
देन मदर डिवाइन में मैंने वर्क किया. मदर डिवाइन में मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, एक साल मैंने वहाँ पे वर्क किया. बट वहाँ पे भी लेटर ऑन सब कुछ अच्छा था, फिर इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस बढ़ा दी गई, हफ्ते में 2 दिन स्टे बैक, वो भी 4 बजे तक, तो बहुत ज़्यादा हैक्टिक. मैं 5 बजे तक घर पहुँच रही थी, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया था. बट उस बीच मैंने दिल्ली गवर्नमेंट की तैयारी करी एंड आई हैव क्वालिफाइड फॉर दैट ऑल्सो. एंड इवन क्वीन मेरी में तो ऐसा था कि मैंने अपनी भतीजी का भी एडमिशन करा दिया था मैरिज से पहले, कि मेरी भतीजी मेरी नज़र के सामने रहेगी और मैं यहाँ पे कंटिन्यूसली वर्क करूँगी और शायद रिटायरमेंट ही लूँगी. बट गॉड को शायद वो मंजूर नहीं था, उन्होंने मेरा अच्छा सोचा, दैट्स वाई आई हैव वर्क हार्ड फॉर दैट DSSB. सो दिस इज़ माई स्ट्रगल स्टोरी. मे बी आप लोगों के साथ भी बहुत वर्स्ट सिचुएशन होती होंगी स्कूल्स में, आप लोग भी परेशान होंगे जो एटलीस्ट प्राइवेट स्कूल्स में हैं. काफ़ी प्राइवेट स्कूल्स अच्छे भी हैं, जैसे दिल्ली हेरिटेज स्कूल जो है, इट इज़ वेरी वेरी गुड स्कूल. वो टीचर्स को नहीं निकालते हैं, इवन वो हर साल टीचर्स को अच्छा अप्रेजल देते हैं. सो इट इज़ द बेस्ट स्कूल अभी तक जिससे भी मैंने वर्क किया है. मदर डिवाइन एंड दिल्ली हेरिटेज स्कूल इज़ द बेस्ट स्कूल. मैम जो हैं बहुत अच्छी हैं, DHS की मैम बहुत अच्छी हैं, कोऑर्डिनेटर्स बहुत अच्छी हैं, वेरी सपोर्टिव. हमें वहाँ पे इनोवेशन करने का मौका मिलता है, हम लोग गुलामों की तरह काम नहीं करते हैं. एंड इट इज़ द बेस्ट स्कूल, आई थिंक आई गॉट इट देयर. थैंक यू एवरी वन, हैव ए नाइस डे.